उधर दिल्ली के स्कूलों के शिक्षकों को विदेश भेजने को लेकर तनातनी के बाद अब प्रिंसिपल पर घमासान छिड़ गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने एलजी पर प्रिंसिपल की नियुक्ति में रोक का आरोप लगा दिया है। एलजी साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी करके एक क्लेम किया कि उन्होंने दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के लिए 126 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है, उन्होंने पोस्ट को मंजूरी दे दी है। और उसका क्लेम किया उन्होंने कि दिल्ली सरकार तो रोक के बैठी हुई थी, उन्होंने 126 को मंजूरी दे दी है। ये पूरा का पूरा बयान एलजी ऑफिस की तरफ से जारी हुआ वो झूठ का पुलिंदा है और हास्यास्पद है और दुखद भी है कि किस तरह से झूठ बोलते हैं, तथ्यों को छिपाते हैं और मजाक बना के रखा हुआ है पूरे सिस्टम को इन्होंने, क्योंकि सर्विसेज इनके पास है। एलजी साहब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने असंवैधानिक तरीके से सर्विसेज पर कब्जा कर रखा है, सर्विस डिपार्टमेंट पर कब्जा कर रखा है दिल्ली सरकार के, असंवैधानिक तरीके से कर रखा है। अगर असंवैधानिक तरीके से एलजी साहब ने कब्जा नहीं कर रखा होता तो आज दिल्ली के एक एक स्कूल के पास में अपना एक परमानेंट प्रिंसिपल होता। हम वाइस प्रिंसिपल से काम चला रहे हैं क्योंकि एलजी साहब को सर्विस डिपार्टमेंट पे कब्जा करने की जिद है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात की जिद है कि भाई सर्विसेज तो हम तय करेंगे, असंवैधानिक रूप से तय करेंगे, लेकिन उनको इस बात की जिद नहीं है कि वो स्कूलों में प्रिंसिपल की भर्ती करवा दें।